ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिरूड़ी में 11 साल के बच्चे केतन की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बच्चे को बांस के डंडे से सिर में चोट लगने से यह हादसा हुआ है। केतन की माता ईश्वरिया देवी ने सरकार से मांग की है कि एक विधवा माँ को उसके बच्चे की मौत का इंसाफ दिलाए। नूरपुर की ईशा देवी पत्नी स्वर्गीय जुगिंदर सिंह गांव घंडोट अति निर्धन परिवार से संबंध रखती है। मई 15, 2019 को ईशा देवी का छोटा बेटा केतन और उसकी दो बहनें काजल और शिल्पा देवी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिरूड़ी में पढ़ते हैं। केतन की बहन काजल और शिल्पा ने बताया कि उसका भाई केतन बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहा था। खेलते खेलते रोहित नाम का लड़का बेट और बॉल लेके साथ खेल रहा था, जो कि बांस का डंडा था। केतन साइड में खड़ा हो गया और रोहित ने गुस्से में आकर केतन को डंडे से पिछले हिस्से पर मार दिया। केतन उसी समय नीचे गिर गया। स्कूल के बच्चों ने केतन को उठाया और पुली पर लिटाया। थोड़ी देर बाद स्कूल के अध्यापक अरुण स्कूल आए और केतन को उठाकर दफ्तर ले गए। उस समय हम दोनों बहनें अंदर थी और छोटी बहन शिल्पा बहुत रोने लगी। काजल ने बताया कि अध्यापक अरुण ने उसकी मम्मी का फोन नंबर लिया। केतन उस समय बहुत तड़प रहा था। मेरा नाम काजल है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिरूड़ी से बोल रही हूँ, मतलब वहाँ पे पढ़ती हूँ मैं। मेरा भाई केतन वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और रोहित नाम का लड़का वो अकेला बैट के साथ, मतलब बांस का डंडा था, उसके साथ खेल रहा था बॉल के साथ। मेरा भाई वहाँ पे आया, मेरा भाई वहाँ पे साइड में खड़ा हो गया और उसने गुस्से में आकर मेरे भाई को डंडे से मार दिया, पिछले हिस्से पर मार दिया और मेरा भाई दौड़ते हुए नीचे गिर गया और उसे बहुत सी चोट आई। फिर वहाँ पे गिरा हुआ, फिर मेरे मतलब हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने उठाया और उसे पुलियों पर सुलवा दिया और अंकल निकले थोड़ी देर बाद, शोर मचा तो अंकल ने उठाया उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद सर आए, अरुण सर आए, उन्होंने उठा के उसे दफ्तर में ले गए। फिर हम दोनों बहनें अंदर थी और मेरी बहन बहुत रो रही थी, उसे बाहर निकाल दिया। मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे भी निकाल देना था उन्होंने बाहर। फिर अरुण सर ने मेरी मम्मी का नंबर मुझसे लिया, फिर मैंने उन्हें नंबर दिया और मेरे भाई बहुत तड़प रहा था, हम उसे पुकार रहे थे पर हमें नहीं बोल रहा था, हमसे बात नहीं कर रहा था, वो बस तड़प ही रहा था। फिर हमें बाहर निकाल दिया, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर निकलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने कमीज बदला के स्कूल की कमीज डलवाई और मुझे ना खून वाली कमीज दे दी धोने के लिए। नरेश मैडम बोलती कि खून, गुस्से से मुझे बोलती कि खून वाली कमीज धो दे और मैंने धो दी। वो मैंने कोठे पे डाल दी और फिर वो गाड़ी में ले गए मेरे भाई को। फिर मुझे नहीं, वो वहाँ पे मेरा भाई पकड़ा पकड़ाई खेल रहा था, फिर उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा हो गया, फिर एक लड़के ने मेरे भाई के सर में बैट मार दिया। फिर वहाँ पे बच्चों ने मेरे भाई को उठाया नहीं, फिर वो ना उसका सर पता नहीं क्या हो गया, फिर वो भागते भागते नीचे गिर गया। फिर उसके बाद बच्चों ने उसे उठाया, फिर पुली पे उसको बिठाया, फिर अंदर ऑफिस में चपरासी अंकल थे, फिर चपरासी अंकल को बुलाया, फिर चपरासी अंकलों मेरे भाई को उठा के ऑफिस में ले गए। फिर मैं रो रही थी, फिर उसके जब चपरासी अंकल ने मेरे भाई को उठाया तभी सर आ गए थे, फिर ऑफिस में लेके चले गए, फिर मैं दीदी अंदर थी, फिर मेरे को कुछ पता नहीं क्या हुआ। ईशा देवी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि एक विधवा माँ को इंसाफ चाहिए। सर सवेरे बच्चे ने उठाए, स्कूल तैयार किए, 8:30 बजे बच्चे घरों चली गए, पेपर आ बच्चे तीनों बच्चे भेजते हैं, मैं अपने कमे चली गई बस। सर मैं कमे पर पहुंची हैं, टीचर ने मेरे फोन किया कोई 9:20 पर कि तीस करो, मैं नहीं, मैं कमे रहा, जल्दी आओ, थोड़े बच्चे की चक्कर आई है, बेहोश होई है, अगर स्कूल पुजू। मैं सर मैं जसूर है, कुसी का घर काम करा दे, तो मैं इन्ना जल्दी नहीं आ सकती, पर मैं सीरियस मतलब सच्चाई दस दो कि बच्चे की नॉर्मल लगी हुई है कि ज्यादा लगी है, अगर ज्यादा लगी तो बता दो, माड़ा मोटा नहीं है, वैसे चक्कर आया डिगी है। मैं क्या चलो फिर फोन करता, मैं जितना काम करती हूँ बख्शी अंकल के घर, मैं आंटी मेरी छुट्टी चाहिए, मेरे बच्चे लगी, अगले बोलते कि तो कहो ड्रामे बना दे, अगर स्कूल सरकारी है तो टीचर उत्थ आने, तेरे बच्चे कुछ नहीं होंगे। फिर मैं फोन किया, मैं सर इं बोलते, सर बोलते मैडम ने गल करावे, मैडम ने गल कराई, उन्होंने मैडम ने दसता कि नहीं तुम माँ की भेज दो जल्दी पे बोल, मेरे आंटी बोलते कि तुम जाना कुछ ऐसे नुरपुर जाना, उन्हें बोलिया कि जसूर काम कराइए साढ़े घर, तुम बच्चे की लेइए गड्डी लेइए इधर आओ तो माँ के नाल लेइए जाओ, बोलते नहीं ऐसी इधर उन्होंने इसी बोलते कि नुरपुर हॉस्पिटल पुज। सर मैं उसे टाइम चली जिया सुनिया, मैं बस लई, सर मैं बसा पुजदी मैं नूरपुर, किन्नी देर लगेंगे मिकी पहुंचते पहुंचते, इन्हें जाइए बच्चा मेरा नूरपुर पुजाई दिया, उसी टीके देते गुरगोश लवाईता, जो जो रिपोर्ट लिखानी सर इन्हें लिखवाई थी, जो तो मैं अगले मैं बच्चा दिखना है, इन्हें मिकी बच्चा नहीं दिखन दिता, नहीं अगे जान दिता,
ते मिकी टीचर ने धमकाया है और गणेश भाई कन्नै ओ मिकी बोलदे जल्दी कर बड़ी गल्ल करने कोई जरूरत नहीं 1100 रुपया काढ़ा कर मुड़ा बचाना था ओदी मैर करानी है। सर मैं रोंदी रोंदी रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे की बचा लो मेरे को पैसे नहीं है मैं पैसे घंटे बाद दे देंगी। सर मेरी कुछ नहीं सुनी मैं नूरपुर मैडम बोलिया मैं मैडम आप मेरे बच्चे को बचाओ मार करो मैं पैसे आपको एक घंटे के बाद दे दूंगी घर से बंदे भी आ जाएंगे और पैसे भी आ जाएंगे। सर उन्होंने फिर बच्चा अंदर ले गए इन्होंने स्ट्रेचर से स्ट्रेचर के ऊपर बच्चा था उन्होंने बेड पे लिटाया और टीचर मेरे को बोलने लगा जे संभाल अपना बच्चा मेरी बहन के घर प्रोग्राम है जो अरुण सर है तो मैं वहां जा रहा हूँ। सर मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई जब तक मेरे बच्चे को होश नहीं आता प्लीज आप मत जाओ मैं अकेली हूँ। बोलता है कि नहीं आप वहाँ हमारे इलेक्शनों की ड्यूटियां लगी हुई हैं स्कूल में टीचर भी एक दो और मेरी बहन के घर प्रोग्राम है मैंने वहां जाना है। जो दूसरा भाई था गणेश बोलता है आप बड़ी चिड़चिड़ कर रही है सुबह से इसके बच्चे को लेके हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं और अब हमें बकवास करके बता रही है। जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने जोर से उसकी बाजू पकड़ी चाचा चलो घर ये तो बातें करती है संभाले अपने लड़के को। मास्टर ने बोला कि अपने बेटे को संभाल डेढ़ घंटे बाद रिपोर्ट आएगी तो देख लेना जैसा होगा। सर उसके बाद रिपोर्ट आई डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे को बचा ले सर ये अब मरा हुआ बच्चा वहां पहुंचाया मैं कुछ नहीं कर सकती थी पता नहीं ये मिके नहीं मिके क्या मेरा बच्चा तो यही खत्म था। जब मैंने उसकी ऐसे आंखें बंद की तो सर जान होती तो आंखें बंद हो जानी थी बच्चे की आंखें बंद नहीं जैसे खुली थी वैसे ही थी। मैंने तो मेरा बच्चा डांग के साथ ये मार दिया मुझे बताया नहीं और गाड़ी लेके गए सर 14 साल की मेरी लड़की थी उसको साथ ले जाते लड़कियों को डराया कि अपनी मम्मी को मत बताना कि ऐसी ऐसी बात है ये बोलती है ये कम बोलती है शिल्पा इसको बोलते शिल्पा तूने ऐसा किया तेरे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे वंदना मैडम और नरेश मैडम ने। सर बच्चों को डरा दिया बच्चे क्या बोलते क्या करते इन्होंने ऐसे मेरे साथ किया और चले मैंने फोन किया सर को दोबारा मैं क्या सर वापस आ जाओ इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया फोन मैंने दोबारा किया तो मास्टर ने सूची बंद कर लिया। सर ये हाल है इनके इन्होंने तो यही खत्म कर दिया अगर मैं नहीं था घर तो मेरे जेठ थे घर बच्चे नौजवान थे घर गाड़ी जहां रोकते किसी को साथ ले जाते तो क्यों इन्होंने यूनिफॉर्म भी उतार दी इन्होंने वहां वो बैट भी जो था उसका लिबास का वो भी सार दिया गेंद भी सार दी। शाम को पता चला जो बच्चे आए हैं घर आए बच्चे बोलते आपने क्या करना हो मैडम ने तो उन्होंने जो चूल्हे में बोल और जो डंडे का बांस का डंडे का बैट बनाया था वो भी जला दिया बाकी मिट्टी भी मतलब खाड़ दी हुई है धोधी हुई है और किसी की जो यूनिफॉर्म वर्दी थी वो डलवा के तो मेरे बच्चों को अकेले नूरपुर लेके चले। मैं पहुंची तो मेरे को कुत्ते की तरह खान ऐसे पड़े कि जैसे मतलब पता नहीं क्या था क्या नहीं ऐसा बेइंसाफ मेरे 11 साल के बच्चे के साथ किया है। मुझे सर इंसाफ चाहिए एक विधवा माँ को इंसाफ चाहिए मुझे मेरा बच्चा चाहिए ये रिक्वेस्ट है मेरी। जब इस बारे में स्कूल के अध्यापक अरुण पठानिया नरेश अध्यापिका और पूनम मैडम से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब वे स्कूल आए तो स्कूल के बच्चे भागते हुए आए और कहा कि बच्चा गिर गया है। जब पूछा कि कैसे गिरा तो बच्चे ने बताया कि भागते हुए नीचे गिर गया है और बेहोश हो गया है। मैं जैसे ही स्कूल का गेट मैंने एंटर किया है बच्चे भागते हुए मेरे पास आए सर सर लड़का गिर गया उसको चोट लगी है। मैंने कहा कौन लड़का गिर गया कैसे गिरा वो बोलते दौड़ते हुए लड़का गिरा है सिर के बल पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने लड़का देखा बच्चों ने वहाँ लटाया हुआ था मैं दौड़ के गया पास में गणेश जी थे गुड़ाई कर रहे मैंने उनको बोला कि पंडित जी जल्दी आओ बच्चा गिर गया है बेहोश हो गया है। इधर मैंने इधर से मैं गया इधर से शरवण गया हमारा पीएम अंदर से शरवण ने उस बच्चे को उठाया अंदर ले आया पीछे पीछे ही गणेश जी आ गए सोफे पे लटाया बच्चे को यहाँ और ये बच्चे को समय फर्स्ट एड देने लगे उसके मालिश वगैरह करने लगे पाँव में कि मूर्छित हो गया क्या हुआ और उसी समय बच्चे की दोनों बहनें यहाँ आ गई अंदर कमरे में। बड़ी बहन ने बड़ी बहन का जो आई कार्ड था मैंने उसके आई कार्ड से उसी ने मेरे को नंबर दिया घर का आई कार्ड से बोल के मैंने उसी समय इनकी मदर को फ़ोन किया कि आपके बेटे को लग गई है इसको हॉस्पिटल पहुँचाना है आओ जल्दी। वो बोलने लगे मैं जसूर में हूँ मैंने कहा चल मैं किसी को फ़ोन करती हूँ मैंने कहा कोई बात नहीं और गणेश जी मुझे बोलने लगे कि हम इसको मोटरसाइकिल पे गंगथ ले चलते हैं हॉस्पिटल। जैसे ही उन्होंने ये बोला और बच्चे ने उल्टी कर दी अब बच्चे ने उल्टी कर दी तो मेरे को बोलने लगे कि आप ऐसा करो अब इसको गाड़ी में ले जाना पड़ेगा। मैंने गाड़ी वाले को एक को फ़ोन लगाया फ़ोन नहीं लगा दूसरे को फ़ोन लगाया श्याम सुंदर वो बोलने लगा कि मैं वो करूँ मैंने कहा भाई जल्दी आप बच्चे की चोट लगी है इसको हॉस्पिटल में ले जाना है और हम वो भी बेचारा जल्दी आ गया। और इसी बीच मेरे को एक फ़ोन आया तिलक जी हैं यहीं के उन्होंने मेरे को पूछा कि मुझे फ़ोन आया ऐसे ऐसे उसकी मदर का क्या हुआ
मैंने कहा हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। और उसके बाद फिर उसकी माँ का मुझे फ़ोन आया है, जहाँ जिनके घर वो काम करती है उस औरत से मेरी बात करवाई। मैंने कहा आंटी हमने गाड़ी बुलाई है, इनको आप नूरपुरा हॉस्पिटल भेज दो, हम बच्चे को नूरपुरा हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। और हमने बच्चे को फिर गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में लटाया है, फिर बच्चे को हम नूरपुरा हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उनको उसको एडमिट करवाया। फिर डॉक्टर ने तब तक इनकी मदर नहीं पाया, आधा घंटा लेट पहुँची। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर मेरे से बच्चे की हिस्ट्री लगे पूछने की, मूर्छित कैसे हुआ, इसको कहीं किसी प्रकार का चक्कर आया हो जाए, क्या हिस्ट्री पहले आया। मैंने कहा हमें नहीं पता, ये तो मदर बता सकती है। फिर वो होंगे वो कहाँ, मैंने कहा आ रही है। जब मैंने फ़ोन किया तो ये बोलती हैं कि मैं अभी टक्की के पास पहुँची। मैंने कहा आप जल्दी आओ। फिर मदर आई, उनके साथ एक और लेडीज़ थी, दोनों आई। तब तक मेरे से उन्होंने वो बच्चे के लिए एक पाइप सी नली मंगवाई, वो पेशाब वाली, मैं वो लेकर आया और उन्होंने लगवा ली। डॉक्टर ने हमें कहा कि आप पर्ची बनवाओ, मैं कुछ टेस्ट वगैरह लिखता हूँ। पर्ची बनवाई, मेरे साथ श्याम सुंदर था, गणेश जी थे और पीएन शर्मन था। फिर उन्होंने, तब तक इनकी मदर भी पहुँच गई वहाँ, उनके साथ एक और लेडीज़ थी। और थोड़ी देर के बाद इनका एक लड़का है, पड़ोसी है इनका, नाम शायद मेरे को नहीं याद रहा, वो लड़का और उसकी बहू, वो चार जने पहुँच गए। और सीटी स्कैन के लिए हम लोग लेकर गए नीचे, सीटी स्कैन कराया बेटे का। और उस समय मेरी जेब में भी कम पैसे थे, मैं और श्याम सुंदर एटीएम के पास गए, वहाँ से हमने, मैंने पैसे निकाले, वो फीस थी। और बाद में मैंने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट आती है आप हमें सूचित करना, क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं है, मैडमें हैं और टीचर इलेक्शन ड्यूटी पर गए हैं। मैं आ गया उसके बाद, बस उसके बाद उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने यहाँ आकर मैडम से कहा कि आप फ़ोन लगाओ, तो फिर वो बोलने लगी कि ऐसे ऐसे तुमने टांडा रेफ़र कर दिया, हम टांडा जा रहे हैं। मैडम ने बोला जो भी डॉक्टर बताएंगे हमें बताना। तो बस यहीं तक, कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ चेंज करवाई थी शर्ट, वो गंदी थी ना, उल्टी मारी हुई थी, तो कपड़े उसके वो जो शर्ट चेंज करवाई थी। हुआ क्या था वैसे? वो सर वो बच्चे खेल रहे थे, वो खेलते खेलते वो गिर गया था, तो लगी थी चोट। स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम शर्मा ने बताया कि उस दिन वे छुट्टी पे थी, मुझे बताया गया कि बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया और नीचे गिरने से केतन को चोटें आई हैं। वहीं स्टाफ वेतन को सिविल अस्पताल ले गए थे। आपको कैसे पता लगा और क्या है सच? सर मुझे जैसे पता लगा, मैं 15 तारीख को छुट्टी पे थी और जैसे मैं, मेरे को इन्फॉर्म किया गया तो वैसे बताया कि बच्चे खेलते खेलते जो है वो 8:30 बजे जैसे बच्चा आ गया था, तो 8:30 से 9:15 के बीच में शायद बच्चा गिर गया, तो बच्चे गिरने से उसको चोट आई। चोट आने से जैसे मेरे स्टाफ मेंबर्स अरुण शर्मा जी, अरुण पठानी जी थे, वो सिविल हॉस्पिटल में उसको उसको लेके गए और उसको फर्स्ट एड दी। कमीज धोने जो बोल रहे थे, लड़की को दबकाया गया और बोला कि इसकी कमीज शर्ट को जो है वो धोई जाए, तो क्या है जैसा हुआ? क्योंकि आपके पीएन भी यही बयान दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं। सर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं आपको बोल सकती कि ऐसा, जैसे मैंने मैडम से पूछा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी आ रहा है सुनने में कि बच्चे को बैक लगा है, इसके बारे में आपको कुछ पता? सर जैसे टीचर्स आए हैं, उन्होंने जैसे बच्चा गिरा देखा है तो वो बच्चे को लेके चले गए हैं, तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं आया। जब रोहित से बात की गई तो पहले तो रोहित टालमटोल करता रहा और बात छुपाता रहा, पर बाद में रोहित से बात की तो रोहित ने बताया कि वह बैट बॉल खेल रहा था और केतन भाग रहा था। केतन को बोला कि भागना मत, तुझे लग जाएगी, लेकिन केतन आगे भागता रहा। क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? बोले बैट लगा है सर, वो ना भाग रहा था और उसको मैंने बोला कि तू भाग मत, तुझे लग जाएगी। सर वो आगे आ गया और एकदम से मैंने ऐसे बैट पकड़ा था और बैट वो आगे आ गया और उसको ये नहीं मालूम लगा कि बैट बजा क्या, नहीं सर बॉल को बजा जाए उसको बजा जाए, नहीं मुझे मालूम नहीं। तो मैंने उसको उठाया और वहाँ पर सुला दिया और उसके आधार जाड़े और अंकल को बुलाया और अंकल ने कहा कि इसको अंदर ले जाओ, फिर अंदर सुलाया और गाड़ी आई और उसको ले गया। जब इस बारे में डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा से बात की है तो उन्होंने बताया कि मृतक की मां की शिकायत पर मेडिकल रिपोर्ट की दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर चोटों से घाव हुआ है, इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।